देखिए बिल्कुल अयोध्या राम में होती नजर आ रही है, और अयोध्या ही नहीं पूरा देश राम में नजर हो रहा है। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम के जिस तरह से मूर्तियां अयोध्या में जगह जगह लगाई गई हैं वो देखने लायक हैं, और हजारों श्रद्धालु उसी भाव से वशीभूत होकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी अयोध्या को सजाया संवारा गया है, और रात से ही जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं भगवान रामलला की, जो मूर्ति गर्भगृह में जो स्थापित हुई है, और उसके बाद जो पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई कि कितनी मनभावन मनमोहक वो मूर्ति लगी है। हालांकि वो मूर्ति अभी जो चेहरा है रामलला का वो ढका हुआ है, जो ओढ़नी है गोल्डन कलर की, येलो कलर का जो पूरा उसमें वो है वो ढकी गई है, क्योंकि वो जब 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त होगा तब वो ओढ़नी हटाई जाएगी और भगवान रामलला के दर्शन पूरा देश पूरी दुनिया करेगी। उस बेसब्री से इंतजार उस पल का हो रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो अयोध्या पहुंचे हैं भगवान रामलला के दर्शन करने। क्या रामलला के लिए कुछ भजन भी गाते हैं? जी हाँ, प्रेम से बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। ए पिता की आज्ञा रघुनाथ ने सर पे चढ़ाई है, अवध के छोड़े सुख सारे, अवध के छोड़े सुख सारे, सुरति बन की लगाई है। और ये प्रभु की धुन में मस्त हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में जिस तरह से पल वो पल नजदीक आता जा रहा है कि जब भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उसको उसके साथ ही अयोध्या की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है और सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। अब अयोध्या में लोगों के आने जाने, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री पर बैन हो गया है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम के मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के तकरीबन 72 घंटे बचे हैं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया है। अयोध्या की सीमाओं को एक तरह से सील कर दिया गया है। जो भी वाहन आ रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। बिना चेकिंग और आईडी कार्ड दिखाए कोई भी वाहन या उसमें बैठी सवारी अंदर नहीं आ सकती। इस वक्त तस्वीरें देखिए आप अयोध्या के अंदर प्रवेश द्वार पर, देखिए पुलिस मुस्तैद है, चौकस है, और रोडवेज की बसों में भी जो लोग आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा जांच हो रही है। उनका गाड़ी नंबर, उनके आईडीज देखे जा रहे हैं, और देखिए कितनी संख्या में पुलिस यहां पर है, हर गाड़ी को चेक कर रही है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी हर प्रवेश द्वार पर लगा दिए गए हैं। ट्रकों की चेकिंग हो रही है। ये ट्रक सरकारी काम के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई कोताही जांच में नहीं बरती जा रही है। अर्धसैनिक बलों को देखिए तैनात कर दिया गया है। अयोध्या पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी हैं, और जिस तरह से एक एक गाड़ियों को अंदर किया जा रहा है, प्रॉपर जिनका पास बना हुआ है उनको ही अंदर आने दिया जा रहा है। तो अब चूंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को भी आज दौरे पर आना है, वो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो मंदिर निर्माण है उसकी प्रगति और जो प्रतिमा का स्थापना होना है उसकी प्रगति, इन सब विषयों पर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो पुलिस और मुस्तैद है। अर्धसैनिक बल आप देखिए यहाँ पर जो आधुनिक हथियार है उससे सुसज्जित अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर तैनात है। तो देखिए राम का काज है तो शिव कहाँ पीछे रहेंगे। जहाँ राम का नाम है वहाँ शिव को तो बुलाना पड़ेगा, शिव भेंट जरूर भेजेंगे। तो महानगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी, वहां से भी राम जी के लिए उपहार स्वरूप 5 लाख लड्डू भेजे जा रहे हैं, जो 22 जनवरी को पूजा के बाद में सभी में वितरित किए जाएंगे। आज ये लड्डू संभवतः आज या कल तक ये लड्डू यहां पहुंच जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनकी ओर से भी ये लड्डू का प्रसाद दिया गया और उनकी ओर से भी ये भेंट दी गई। वो खुद भी गए और उन्होंने 2-3 लड्डू हमें बनाते हुए भी दिखाई दिए। वो भी बड़े प्रसन्न है कि हम भी, क्योंकि हम महाकाल की नगरी से, वो तो वहां से सांसद भी हैं, दक्षिण उज्जैन है उस सीट से, माफ कीजिएगा एमएलए भी हैं, वो वहां से आते हैं उज्जैन नगरी से आते हैं, तो वो तो और ज्यादा उत्साहित थे कि हम भी राम जी के लिए कुछ भिजवाएं। तो देखिए जब बात राम की हो तो शिव तो उपहार भिजवाएंगे। 5-6 दिनों से लगातार यहाँ पे काम चल रहा है और एक बड़ी सी टीम, 250 लोगों की टीम लगातार लगी हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5-6 दिनों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी उसी के अनुसार 5 लाख लड्डू का निर्माण हो चुका है, और प्रत्येक लड्डू का एक इंडिविजुअल पैकिंग में किया गया। आप देख रहे होंगे कि जो पैकेट, हर एक लड्डू का अलग अलग पैकेट है, वो सारे लड्डू के पैकेट के निर्माण हो चुके हैं, और उनको सभी लड्डुओं को छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा जा रहा है, और ऐसे बॉक्सेस की संख्या लगभग 1121 है। बिल्कुल आज से श्रद्धालुओं
जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, लेकिन एंट्री पर जरूर बैन लगाया है, लेकिन फिर भी आने वालों की संख्या में कमी नहीं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, क्या सुनाना चाहेंगे आप? हम राम स्तुति सुनाना चाहेंगे। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज पद कंज कंज कद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छबि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तरते रुचि सुचि नौमी जनक सुता। अमी गंगा सागर डायमंड हार्बर थे पश्चिम बंगला से आए ओ खूब सुंदर बाबारा सजिए खूब भलो बाबा देर जन्म जन्म आशीर्वाद रही भगवान मंगल करुक। जय सिया राम। जय राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन जी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि ये दुर्लभ योग है, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो योग आया 5000 सालों में ये योग आया है, और जो 84 सेकंड का समय जो प्राण प्रतिष्ठा का होगा, जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, उस 84 सेकंड में काजल लगाया जाएगा और प्रभु राम को शीशा दिखाया जाएगा, जब उनकी आंखों से वो ओढ़नी हटाई जाएगी और प्रभु श्री राम दुनिया के सामने आएंगे और दुनिया उनको निहारेगी। देखते हैं कि आचार्य जो जगत गुरु आचार्य परमहंस है उन्होंने क्या कहा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब की जाए जब जीव मात्र के कल्याण का वो हो। यह दुर्लभ हो योग, ये आयंद्र योग है, इसके अंदर सर्वार्थ सिद्ध योग है, इसी के अंदर जो है तो रवि योग भी है, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी थे। ये तीनों योग एक साथ पड़ रहा है, ये अति दुर्लभ है। एक बार त्रेता युग में पड़ा था जब राम जी चक्रवर्ती सम्राट बने थे, दूसरी बार पड़ा था जब धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने, अब तीसरी बार जो है पड़ रहा है यह 22 जनवरी 2024 जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम जी को काजल लगाएंगे और उसी समय प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। देखिए हम आपको खबर तो बताएंगे, लेकिन मैं सिक्योरिटी के लिहाज से दिखा दूं। देखिए सीआईएसएफ के ये जवान यहाँ पर पहुंचे हैं और सबको बताया जा रहा है कि किसको कहाँ रुकना है। ये यहाँ पर उनके अधिकारी हैं, जरा अगर वो बातचीत कर पाए तो, अगर ये बता पाए कहाँ कहाँ कौन कौन है। ठीक है, बातचीत करना क्योंकि इनके दायरे में नहीं आता है, मना किया जाता है, लेकिन केंद्रीय बल देखिए यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। ये यहाँ पर लगे हुए, ये वो द्वार है जहाँ से आम लोग जाते हैं, उधर भी दिखाइए किशन, वहां पर भी सीआईएसएफ तैनात हो गई है। तो ये मंदिर की सुरक्षा हमने आपको पहले भी बताया था कि मंदिर की सुरक्षा सीआईएसएफ को दे दी गई है, और वहां पर अब क्योंकि महज 2 दिन बचे हैं और आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम है, उनको भी यहाँ आना है, भक्तों का आना तो शुरू हो ही गया है, लेकिन सिक्योरिटी, आइए कितने लेयर की सिक्योरिटी है ये देखिए। यहाँ ये सीआईएसएफ है, ये देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस तो यहाँ पर हमेशा तैनात रहती है। जरा किशन इधर की तस्वीरें दिखाइए, वहां सीआईएसएफ की तैनाती, यहाँ सीआईएसएफ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा तैनात रहती है। वो देखिए एक सीआईएसएफ महिला पुलिस भी है, महिला सीआईएसएफ की जवान भी देखिए तैनात की गई है, और उसके आगे भी बड़ी खबर आ रही है कि 9 बजे वाली जो सुबह 9 बजे की पूजा थी वो शुरू हो चुकी है। प्रातः 9 बजे अरण मंथन से अग्नि प्रकट की जाएगी और वो पूजा शुरू हो चुकी है। मैं आपको बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर बता रहा हूँ कि सुबह 9 बजे वाली पूजा शुरू हो चुकी है, अरण मंथन द्वारा प्रकट हुई अग्नि की कुंड में स्थापना की जा चुकी है, और उसके बाद ग्रह स्थापन, असंख्यात रुद्रपीठ स्थापन, प्रधान देवता स्थापन, राजा राम, भद्र श्री राम यंत्र, वीट देवता, अंग देवता, आवरण देवता, महापूजा, यानी कि सारी पूजाएं अब इसके बाद शुरू होंगी। यानी कि सुबह 9 बजे की जो पूजा है अरण मंथन कार्यक्रम से, अरण मंथन का जो कार्यक्रम है, पूजा कार्यक्रम, वो शुरू हो चुका है और अब विधिवत तरीके से ये पूजा चलेगी, और 21 तारीख तक ये सारे अधिवास जो हैं वो किए जाएंगे, यानी कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। बड़ी खबर है कि सुबह 9 बजे की पूजा शुरू हो चुकी है, अरण मंथन की पूजा अब शुरू हो चुकी है, और आगे क्या है आगे सपना आपको बताएंगे। बिल्कुल यतेंद्र, सही जानकारी आपको दे रहे हैं एकदम कि पूजा शुरू हो चुकी है, 9 बजे का समय था। अनिल मिश्रा जो कि मुख्य यजमान है वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, वो लगभग 8 बजे के करीब अंदर दाखिल होते हैं, उनकी पत्नी और वो, और सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित जो कि लक्ष्मीकांत दीक्षित के बेटे हैं वो भी अंदर ही है, क्योंकि विद्वानों के भी अब मोबाइल फोन जमा करा लिए जा रहे हैं, इसीलिए
कोई भी अब आपसे बातचीत नहीं कर पाएगा, लेकिन सभी 9 बजे का, क्योंकि मुहूर्त आवर में एक चीज और आपको बता दूं, जो समय हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल ठीक उसी समय पर चीजें शुरू हो रही हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो विद्वान आए हैं लक्ष्मीकांत दीक्षित उनकी ओर से और गणेश्वर शास्त्री उनकी ओर से मुहूर्त दर मुहूर्त। अब मैं कल के मुहूर्त की अगर आपको बात बताऊं तो हमने एक विद्वान से बात की तो उन्होंने कहा कि सूर्योदय कितने बजे हुआ, उसके ठीक 6:30 बाद जो है पूजा शुरू होगी। तो यही था, सूर्योदय हुआ और उसके ठीक 6:30 बाद 1:20 पर पूजा शुरू हो गई थी। तो मुहूर्त दर मुहूर्त चीज हो रही है। गणपति जी की आज पूजा होनी है, देवी देवता जो गर्भगृह में बाकी रहेंगे, क्योंकि गर्भगृह में जो मुख्य पूजा होती है वो तो होती ही है, मुख्य देवता जो आपके हैं जिनका मंदिर है, लेकिन उसके अलावा देवी देवताओं का भी आह्वान किया जाता है और खास तौर पर गणपति जी का, तो उनका आह्वान किया जाएगा। आज उनकी भी पूजा होनी है और ये पूजा भी दोपहर तक चलने वाली है। 16 तारीख से सभी अनुष्ठान शुरू हुए थे। 16 तारीख को सबसे पहले प्रायश्चित कर्मकुटी पूजा होती है, उसके बाद में दूसरे दिन जल भरकर लाया जाता है सरयू नदी से विद्वानों के साथ जाकर, और उसके बाद में कल हमने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति जो है वो आंगन में रखी गई और उसके बाद में गर्भगृह में उसको स्थापित कर दिया गया। और आज जो पूजा होनी है वो ये कि जो देवी देवता है उनका आह्वान किया जाएगा, ये पूजा की जाएगी और गणपति जी की पूजा की जाएगी। मुख्य तौर पर 9 बजे पूजा शुरू होनी थी और हो चुकी है। यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, सारी चीजें जिस तरीके से प्लानिंग, क्योंकि आप कारसेवकपुरम में मौजूद है वहीं से सारी प्लानिंग होकर जाती है, प्लानिंग दर प्लानिंग चीजें हो रही है, 9 बजे पूजा होनी थी तो 9 बजे शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल पूजा शुरू हो चुकी है और जो विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान शुरू हो चुका है और अब 21 तारीख तक ये सारे अनुष्ठान चलेंगे और जब वो शुभ मुहूर्त आएगा जो 5000 साल के बाद ऐसा दुर्लभ योग आया है, उस शुभ मुहूर्त में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का जो केवल 84 सेकंड का जो मुहूर्त है उसी में उनको काजल लगाया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आंखों से जो ओढ़नी जो तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाई कि प्रभु श्री राम के मूर्ति की स्थापना के बाद वो जो ओढ़नी उनके चेहरे पर लगाई गई है वो हटाई जाएगी, उसके बाद शीशा उनको दिखाया जाएगा और उसके बाद उस शीशे को तोड़ दिया जाएगा। एक माहौल में आपको पूरे अयोध्या का दिखा रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री योगी भी तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या आएंगे और आप देख सकते हैं जो पूजा हो रही है वो इस तरह के मंडप, जो ये मंडप आप देख रहे हैं वो इस तरह के मंडपों में वो पूजा शुरू हुई है जो सुबह 9 बजे शुरू हुई है और इन मंडपों में ही यज्ञ स्थल जो बनाए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया आपको जो दिखा रहा है विधि विधान के साथ जो पूजा का काम है वो शुरू हो चुका है और अरण मंथन से अग्नि प्रकट, अरण मंथन से अग्नि प्रकट की जा चुकी है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो भी अनुष्ठान है वो करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और इस तरह जो पूरा एक टेंट सिटी जो यज्ञ स्थल है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि यज्ञ स्थल इस तरह का जो राम जन्मभूमि परिसर है उसमें बनाया गया है। एक खबर और है, ये भी आ रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या आएंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, जो टेंट सिटी बनाई गई है उसका भी जायजा लेंगे, क्योंकि 22 जनवरी के बाद हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश में जब वो अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे तो किसी भी तरह की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना आए। आगे क्या है ये सपना आपको बताएंगे। लौट रहे हैं आपके पास में, लेकिन अरुण का रुख करेंगे इस वक्त, क्योंकि अरुण के साथ बेहद खास लोग हैं। ये खास लोग आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाँव से। अरुण जरा बातचीत करिए आप। ठीक है, अरुण का रुख करेंगे, शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन बड़े खास लोग हैं और इस वक्त वो भी बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर मैं बात करूं, देखिए यजमान वो भी हैं, लेकिन जो उनको क्रियाएं बताई गई हैं कि आपको 11 दिन तक नीचे ही सोना है, फर्श पर कंबल बिछाकर आप वो करिए, 11 दिन का उपवास करना है, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो ये सब चीजें कर रहे हैं और फिर भी उनका कितना टाइट शेड्यूल रहता है, लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं वो तमाम मंदिर जो राम से जुड़े हुए हैं वो वहां पर जा रहे हैं, वहां अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नागपुर से इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, नागपुर में किस तरीके से वो पूजा की शुरुआत करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। देश का माहौल राममय है, जैसा मैंने पहले बताया हमारे स्टूडियो का माहौल भी राममय है। मेरे साथ लखवीर सिंह लखा है
जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए लक्का जी का। लक्का जी जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।